वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है वीकेंड का फ्राइडे और निकल पड़े हैं आज फिर से हम लोग बाहर। तो कोरोना का यहाँ पे सीन ये है कि 70% वैक्सीन यहाँ पे लग चुकी है और थोड़ा थोड़ा हम लोग रिलैक्स, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, बिना मास्क के नहीं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं, लेकिन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। अब तो आज हम लोग जा रहे हैं जू में, शारजा जू जा रहे हैं। पहली बार ही जा रही हूँ, एक बार पहले गए थे अगर आपको याद होगा, अगर आपने किसी ने मेरा वो वीडियो देखा होगा जहाँ से हम वापस लौट गए थे। हमें एंट्री नहीं मिली है कोरोना की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड ही वहाँ पे एंट्री थी। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, आज हम टाइम से जा रहे हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं और 5:30 बजे जू बंद होता है, और होपफुली आज एंट्री मिल जाए हम लोगों को। और बस, तो विवान का दोस्त है, मतलब हमारे फ्रेंड लोग हैं और हम लोग हैं, तो देखते हैं आज क्या होता है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको आज शारजा का जू। चलिए चलते हैं। तो जब तक हम लोग रास्ते में, अभी मतलब अभी ड्राइविंग में हैं, तो तब तक मैंने सोचा एक छोटा सा गाना ही गा लूं। गालू सुनोगे ना? कोशिश करती हूँ। गुगुती घुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी एगे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, डांडी काठियों कहूँ गाली के होलो, म्यारा मैत कपोण मौली के होलू, डांडी काठियों कहूँ गाली के होलू, म्यारा मैत कबण मौली के होलू, चखुला खुल छोड़ी उड़ वाला, बिटुला मैत डक पेटण वाला, गुगुती घुरोण लगी बड़ी बड़ी एगे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। पिया सुम्यारा भी तारी जाला पीड़ा ना लुके, पीड़ा ना लुके, हम लोग पहुंच चुके हैं जू में, अंदर आ चुके हैं हम लोग, अभी गाड़ी पार्क करते हैं। भाई वो गए हम एक गाड़ी जगह। माय गॉड, इट्स टू हॉट आउटसाइड। कैसे जाएंगे? और इसमें जो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो लेट्स सी, उन्होंने कहा स्टाफ को पूछना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पीछे पिकॉक देख रहे होंगे आप, वेट कर रही हूँ कि अपना फर खोले। तो अभी हम लोग जा रहे जो मेन जो सफारी, यानी वो है जो मेन जू है, उसमें जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा चिल्ड्रन वाला था, बच्चों का था, और ये ओपन है। तो माय गॉड एक्सट्रीम हॉट, अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है यार। अब मेरे व्लॉग कैसे बनेंगे अब? तो शायद वो इंडोर है, मुझे पता नहीं है, बट कह रहे कि वो इंडोर है,
तो एसी में रहेंगे हम लोग, लेट्स सी। तो चलिए वही जा रहे हैं, अभी फिर से गाड़ी से जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। वैसा तो धूप में जाने को होता नहीं, आज धूप में निकले तो इतना बुरा हाल हो रहा है, बाप रे। अरे नहीं, आज वाइल्ड लाइफ सेंटर। ये क्या है, थिएटर है? देखिए बरसाती मेंढक जो हमारे उधर पाए जाते हैं बरसाती। जिसने भी आवाज सिर्फ सुनी होगी वो देख लो कि ये जो दो प्राणी हैं, ये प्राणी आवाज करते हैं, एक प्राणी ऊपर है। बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, देखिए आपको फील होगा ही नहीं कि आप लोग कहीं अंदर, ये इंडोर टाइप कुछ ऐसा है, बट या इट्स फुली कवर्ड विद द शेड्स और एसी है तो इसलिए टेंशन नहीं। घुंघुती है, चलो अंधेरी गुफा में आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, ये चमगादड़।